हाय गाइस, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सीवीटी यूजी 2024 का रिजल्ट कब निकलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है और दे आर वेटिंग फॉर देयर सीवीटी रिजल्ट्स। एंड सीवीटी रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा, समर पोर्टल जो फिर से खुलेगा, उसके बाद वो लोग अप्लाई करके अपना जो भी एडमिशन है इस बार बीएससी, बीकॉम एंड बीए या फिर बीबीए उस कोर्स में कराएंगे। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत एक अच्छा न्यूज़ है कि फाइनली आज रात को आप सभी का जो सीवीटी यूजी 2024 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। शाम को 4 बजे एनटीए के तरफ से एक मीटिंग रखा जाएगा और उसके बाद 7:30 से 9:30 के बीच में रात को आपका सीवीटी 2024 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एनटीए का जो वेबसाइट है, एनटीए के वेबसाइट में ही जाके आपको रिजल्ट चेकआउट करना है, यानी एनटीए के वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा जो कि आपको ईमेल आईडी पे मिल जाएगा आपका, एंड साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा। उसके बाद उधर पे लॉगिन करके आप लोग डायरेक्टली आपका जो फाइनल मार्कशीट है वो देख पाओगे, फाइनल ग्रेड कार्ड जो भी आपको आप देख पाओगे। उसके बाद उसी ग्रेड कार्ड के मार्क के बेसिस पे आपका समर पोर्टल में फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, एंड उसके बाद उससे फिर एक मेरिट लिस्ट निकल के आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक सीवीटी रिजल्ट के बेसिस पे मार्क लेके, मतलब उसके बेसिस पे एडमिशन लेंगे, प्लीज़ नीचे एक बार कमेंट कर देना कि आप कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना है आपको और आपका एक्सपेक्टेड एनटीए का सीवीटी स्कोर कितना है। ठीक है, और नीचे ये भी कमेंट करना कि आप लोगों को मतलब वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है हमारा, और हम क्या क्या चेंजेस लाए हमारे वीडियो में ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना मेरा, आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। उधर पे मैसेज करने से क्या होता है कि वो अकाउंट मतलब बैन वगैरह नहीं होता है, लेकिन नहीं तो व्हाट्सएप वगैरह बैन हो जाता है कभी कभार। तो आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।